हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फिर एक नए वीडियो के साथ आए। आज वीवो का V30e लेके आए फ़ोन, जो कि फ़ोन का अगर क्वालिटी, कलर्स और डिज़ाइन और कैमरा देखा जाए तो कैमरा इसमें बहुत ही फाइन और बहुत ही बढ़िया कैमरा यूज हो रखा है। आप बेसिकली देखोगे कौन सा एक ब्रांड है जो कि कैमरा ही बनाता है, वीवो में ये मॉडल पर वो कैमरा लगा है। कैमरा जूमिंग एरिया भी इसका ठीक है। और सबसे मेन बेनिफिट है, आजकल फ़ोन जिनको भी चाहिए स्लिम थिक चाहिए, और ये फ़ोन आपका स्लिम थिक है। और पहली बात तो ये बैक कवर ना भी लगाइएगा तो भी स्क्रैच प्रूफ है। स्क्रैच बहुत रियल केस में ही लगेगा, स्क्रैच भी ये फ़ोन में नहीं लगेगा, सबसे बेनिफिट है। और कैमरा इसका देख लीजिए, और कैमरा के साथ साथ इसमें एक बेनिफिट और है। जैसे हम आज देखते हो ऊपर से लाइट ब्लिंक करता है, जब हम फ़ोन फोटो वगैरह लेते हैं तो बैकग्राउंड पर लाइट इंडिकेट कर देता है, तो इस पर ऐसा अगर लाइट भी बैकग्राउंड पे आएगा या आपके जैसे हम कहीं खड़े हैं लाइट बहुत सारा है तो देखते होंगे लाइट चेहरे पे आके फ़ोटो को क्लियरिटी मैच नहीं करता। इसमें ये खासियत है कि जब भी आपके कैमरे का जो फ्लश जैसे ही ऑन कीजिएगा या कैमरा जैसे ही ऑन कीजिएगा, जो लाइट का ब्लिंग है, जितने भी लाइट जला हुआ है वो नॉर्मल थिंक में आ जाता है, जिससे लाइट का इफेक्शन और लाइट पड़ने से कोई भी फ़ोटो की क्लियरिटी पर कोई भी इशू नहीं होता है। सबसे बेस्ट थिंकिंग इसका ये है कि लाइट कितना भी जले, लाइट का एक अलग ही मोड ले लेता है। ये नहीं कि लाइट में चमक आ गया, ये आ गया, फोटो बैकग्राउंड में कोई दिक्कत आ गया, फिर फोटो बैकग्राउंड में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। सबसे बेस्ट क्वालिटी का ये फ़ोन है। सबसे मेन बेनिफिट मुझे ये फ़ोन में यही लगा कि कैमरा जो ऊपर का लाइट था वो लाइट एक जगह स्थिर था, ये नहीं लग रहा था लाइट ब्लिंक कर रहा है या लाइट ऐसे हो रहा है। चलिए फिर हम कोई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा प्रोडक्ट लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में।